हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेदर बहुत अमेजिंग है एंड 10:30 बज रहे हैं मॉर्निंग के। घर का सारा काम भी हो चुका है और बहुत टाइम बाद टच उठ नज़र ना लगे लग जाती है। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, मैं आप लोगों के लिए ही ब्लॉगिंग करती हूँ कि आप लोग मुझे देख सकें। और मेरी आदत है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी फीलिंग्स, अपनी सारी खुशियाँ शेयर करूँ, जो भी हमारे घर में होता है वो भी शेयर करूँ। बट समटाइम्स कोई लोगों की मतलब आँखें ऐसी होती है ना कि मतलब यार मैं बिस्तर पे से नहीं उठ रही थी, बट खुदा का शुक्र है, थैंक्स टू गॉड के आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड बहुत अच्छा लग रहा है ब्लॉगिंग स्टार्ट करके दोबारा से। मुझे बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, बहुत जल्दी। मैं ये नहीं कि मैं वो हूँ, सुंदरी हूँ या कुछ हूँ, बट लग जाती है समटाइम्स। और मुझे बहुत जल्दी वो करती है अटैक नज़र ना, तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी इतने दिन से। थोड़े थोड़े मैंने देखो ब्लॉग बना के डाले आप लोगों के लिए, जैसे कि मैं फ़िश मार्केट गई थी, इधर उधर गई थी। बट आज से मैं आपको डेली अपडेट दूँगी, और अपडेट दूँगी मैं आपको ठीक 7:00 दूँ या 5:00, मैं ये सोच रही हूँ कौन सा टाइम अच्छा रहेगा। तो मैं आपको दूंगी अपडेट अपनी 7:00। 7:00 ऑलवेज़ मेरा ब्लॉग अपलोड होगा। 7:00 का टाइम मैं इसलिए रख रही हूँ कि मेरे लिए भी अच्छा है, आप लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जनता मुझे शाम को देखना पसंद करती है। वेदर देखो, बारिश हो रही है, देखो कितना मस्त मौसम है। हमारे बैगन को क्या हो गया? इसको जब तक अच्छे से ना भूनो ना, जब तक मस्त स्वाद नहीं आता इसमें। ये अभी लिटिल बिट कच्चा है, इसको भी थोड़ा भून लेते हैं। मैं तो डायरेक्ट गैस पे भूनती हूँ, हमारे पास वो नहीं है ना जिसमें ऐसे ऊपर रख के टमाटर भूनते हैं। ये देखो मस्त सा हो गया बिल्कुल। एंड आज आपको पता है क्या हुआ? ये देखो पूरा दूध, ये दिख रहा है आपको दूध? ये दिख रहा है दूध? देखो नीचे भी है। मेरे दूध गिरने का एक फायदा हुआ कि जो आज हमारी आंटी की बेटी आई थी काम करने के लिए, तो उन्होंने ठीक से काम नहीं किया क्योंकि पूरी गैस के नीचे बहुत गंद है। एंड जब दूध गिरा तो देखो दूध सफ़ेद है, अगर पूरा किचन का ये वाला पोर्शन साफ होता तो ये यूं ही आ जाता और क्लीन लगता, बट उसमें इतना गंद आया। एंड अभी मैंने गैस के नीचे देखा तो बहुत गंद है। बारिश का महीना है और हमको ऐसे ही जीना है, बहुत अच्छा लगता है हमको, बारिश का ये महीना है। कैसा लगा मेरा गाना बता देना मुझको मेरे साथ। आज पता है दोस्तों क्या होने वाला था? साइकिल चोरी होने वाली थी बिल्कुल। जिसने भी निकालने का वो प्रोग्राम बनाया था, इसको बाहर रखी रहती है ना, इसको मैंने इसके लिए अंदर रख दिया। और मेरे नाखून ये जो आप देख रहे हैं चमचमाते हुए, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये जो साइकिल है ना, मैंने इसको अंदर रख दिया भैया, इसमें लॉक नहीं लगाया हुआ था। पता है किसी ने जीनो के पास रखी हुई थी, जीनो के पास से निकाल के ले जाता। धन्नो आई लव यू, तुझे कोई ले जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगी। आज से दोस्तों मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाने वाली हूँ। वैसे तो हम लोग वेकेशंस पे जाने वाले हैं क्योंकि बहुत अच्छा वेदर है और घर पे बैठ बैठ के हम लोग भी बोर हो चुके, तो हम वेकेशन पे जाएंगे। बहुत जल्दी बताऊँगी हम कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ नहीं। एंड आज से मैं आपको रेसिपीज़ बताने वाली हूँ खाने की, क्योंकि आज मैं घर में जाती हूँ दोस्तों। आई एम रियली सॉरी, मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ और मैं अपना डेली का रूटीन दिखाती हूँ आप लोगों को, तो मैं घर में ही रहती हूँ क्योंकि मेरा वर्क भी जो है वो होम वर्क है। होम वर्क स्कूल वाला नहीं, होम वर्क है, तो इसके लिए मेरा सारा काम घर से ही चलता है। इसके लिए मैं घर में रहती हूँ, कहीं इधर उधर जाती हूँ वो भी दिख जाता है आपको, बट आई नो कि आप लोग बोर हो जाते होंगे मुझे ऐसे देख देख के। तो इसके लिए मैं आपको आज से रेसिपीज़ दिखाया करूँगी, मैं जो भी बनाया करूँगी वो आप लोगों से शेयर करा करूँगी। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करना। एंड जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करना। यहाँ मैंने मटर छीले, इनको उबाल लेंगे क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ बैगन का भरता विद टमाटर। प्याज काट लिए मैंने 3 टमाटर और 2 टमाटर 3 प्याज लिए हैं। बैगन को मैं छील चुकी हूँ, इसमें ऑयल है, इसके लिए हम ऑयल कम डालेंगे कढ़ाई में, वरना ज़्यादा ऑयली खाना बन जाएगा। और मटर यहाँ पे उबल रहे हैं जल्दी पकाने के लिए, अदरवाइज मटर को गलाने के लिए इसमें टाइम। मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, अजवाइन और साबुत लाल मिर्च, और इसमें हींग भी डालेंगे क्योंकि बैगन बादी। फिर प्याज डाल दिए मैंने इसमें, प्याज को लाइट ब्राउन होने देंगे। टमाटर डाल दिए मैंने, इसको अच्छे से पका लेंगे। और तो ये जी मैंने मसाले ले लिए, ये है हमारा घरेलू मसाला, ये है धनिया पाउडर और ये हल्दी और नमक, अपने स्वाद अनुसार अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप। अब ये कुछ इस तरीके से हो गया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने,
ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं, ग्रेवी के रूप में आ जाएं। मसाला हो चुका है, अब डाल देंगे इसमें वन बाय वन बैंगन। बैंगन ओ मेवी बैंगन बैंगन ओ मेवी। ये देखिए इसका लुक कुछ ऐसा आया है। इसमें ऊपर से डाल देंगे कस्तूरी मेथी और चाट मसाला। कस्तूरी मेथी और चाट मसाला डालिए, इसको फिर से अच्छे से बना लेंगे। रेडी हो गया है मेरा बैगन मटर का भरता। देखो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बता देना। इसको थोड़ी देर स्टीम पे छोड़ देंगे ताकि इसका ऑयल निकल जाए किसी हैवी चीज। यहाँ मैं तैयार कर रही हूँ अपनी दूसरी रेसिपी, वो नहीं बताऊंगी क्या है दोस्तों, डर लगता है मुझे। तो जी मेरा किचन का सारा काम पूरा हो गया। बहुत थक गई हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ, टायर्ड हो गई हूँ, बहुत थकावट हो रही है बहुत। एवरीवन गेस करो मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं डिनर पे जा रही हूँ और बहुत ही प्यारी सी जगह जा रही हूँ, मतलब बिल्कुल नहीं है, हम लोगों के घर के सामने ही है, आई मीन सोसाइटी के सामने, घर के सामने नहीं है। तो हम वहीं जा रहे हैं, इतनी देर बाद तो वहीं लिफ्ट आई है। एंड कोई है, कोई भी नहीं है पीछे मेरे साथ, हमेशा ऐसे ही होता है। मम्मी आई और हमें पहचानी नहीं। नहीं पहचानी आप? नहीं। अरे मम्मी आओ, जाओ आप ऊपर जाओ। ये तो बहुत ऑड था। आ जाओ, वेदर अच्छा है ना। यस, हम डिनर पे जा रहे हैं दोनों। हिम्मत ही नहीं है। ये देखो ये मिठास है। और हम कहाँ जा रहे हैं? उधर जा रहे ना, विल्सन हाउस, क्रिम्सन। तो हम लोग जा रहे हैं क्रिम्सन हाउस, जो हमारे घर के नियर बाय है, क्योंकि हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना और लेट नाइट बहुत हो रहा है, 9 o'clock हो गए हैं। तो ज़्यादा कहीं जाएंगे तो टाइम आपको पता है वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि रात में तो डिस्क ही खुलते हैं और हम लोग डिस्क जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। शोर शराबा, वी आर साइलेंट पर्सन। ये रहा क्रिम्सन हाउस। यहाँ पे लिफ्ट भी लगी हुई है और मैं बहुत खुश हूँ। वाओ कितना प्यारा है। फोटो खींचूंगी यहाँ पे। वाओ हमने सीट चेंज कर ली और हम इस तरफ आ गए, देखने कितना प्यारा लग रहा है। बहुत खुश हूँ, थैंक यू दीप। कैसा लग रहा है? वाओ वाओ वाओ, आ गया है हमारा सिजलर। और ये क्या दिया है? ये भी तो उठा के दिखाइए। व्हाट इज दिस? दिस इज सूप? सॉस? आई डोंट थिंक दिस सॉस, ये सूप है। ये क्या है? ये आपने क्या मंगाया है? ग्रीन एप्पल मोहितो। कैसा लगा दोस्तों, पी लो आप लोग भी। वाओ कितनी प्यारी है फिश में आइसक्रीम। ब्राउनी है ना, क्या है ये? ब्राउनी वेफर। यहाँ आ गया है हमारा कौन सा पास्ता है बेबी? स्पगेटी पास्ता। ओके क्या कर रही हो तुम? शर्म करो थोड़ा। मुझे शर्म आती है। ये घर नहीं है, रेस्टोरेंट। घर नहीं है, रेस्टोरेंट। आप लोगों ने कभी ऐसी किसी रेस्टोरेंट में प्लेट चाटी है जैसे मैं चाटता हूं? कोई नहीं चाटता। ये देखना यहाँ पे कुत्तों का झुंड कितना खतरनाक। अरे बाप रे बेबी, मुझे अपना साथ लेके चल, यहाँ से नहीं जाऊंगी मैं। आप ना मैं नहीं जाऊंगी, आप सारा कुत्तों का आतंक, इधर आ जाओ। ना आ जाओ, इधर से आ जाओ ना। इतने सारे कुत्तों के पास से लेके जा रहे हैं मुझे घर, यहाँ से चलो ना। यहाँ पे पार्क की साइड इतने सारे डॉगीज हैं, सोसाइटी में मना किया है मैंने डॉगीज को अंदर ना इन्विटेशन दें, बट लोग बागों को ना चैन नहीं आता, ये कुत्ते काटने को दौड़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारी शेडोज चल रही है, ये देख लो, हम अपने पैर दिखा सकते हैं दीपू में। तो हम एक दूसरे से एक बात कर रहे हैं। कैसा लग रहा है दीपू जी आपको खाना खा के टहल के? बोलो, पेट भरा हुआ है?
ये देखो मेरी शैडो, ये मेरी शैडो कैसी लग रही है, टाट टाट टाट। कितना मजा आ गया ना, बता नहीं सकती यार।